अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी दिन का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चली हुई है, गर्म भी है। बस आज लाइट भी नहीं थी, इसलिए हमने पूरा दिन जो है ना बाहर गुजारा है। चार पाई बाहर डाल के बाहर ही हम मतलब सोते रहे, बैठ रहे हैं। बच्चे भी स्कूल गए थे तो वापस आज जल्दी आ गए हैं, क्योंकि आज जुम्मा का दिन था। आप सब बहन भाई को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी आज का दिन हमने बहुत ही अच्छे से गुजारा है। अभी कुछ काम या ना करने बाकी हैं तो वो मैंने स्टाफ अभी कर लूँ। वीडियो से आप लोग ने जुड़े रहना इंशाल्लाह। आज दिन में हम क्या क्या काम करते हैं वो आप लोगों से शेयर करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। तो अभी इस वक्त मैं दरख्त के नीचे खड़ी हूँ, तो धूप काफ़ी ज़्यादा है और अमन और गुड़िया भी इधर आई हुई है। कैसे हो? तो ये दोनों इधर आके बैठी हैं, क्योंकि ये भी पूरा दिन इधर ही खेलती रही हैं। वो लाइट पता नहीं क्या मसला है, आज लाइट नहीं थी। तो थोड़ी देर के लिए आती थी, फिर भी आती थी। हम इस तरह ठीक हाँ है ना, बाहर हम बाहर ही बैठ जाते हैं। तो जी अभी कुछ कपड़े बचे हुए हैं, कुछ काम बचे हुए हैं। तो इधर अभी नल के पक्का हुआ ये ना, तो मैं इसका कुछ कपड़े धो लूँ, साथ साथ आप लोगों से वीडियो भी शेयर कर लूँ। तो ऐमन अभी जो है ना नहाई है, उसने कुत्ता पहना है। समझ भी अभी इधर आया हुआ है, ये देखिए। कैसे हो जी? ठीक हो? अभी कपड़े धोते हैं। वैसे तो लो चली हुई है, लेकिन ये है कि इधर अच्छा हुआ है ना, सुबह के टाइम में फिर धूप आ जाती है, नल के बताने कि आप लोगों को जो है ना हमारी ये रूटीन कैसी लगी। तो आज है ना मैंने दिन को ही काम अपना शुरू किया। वैसे खाली वगैरह में पानी हो ना, कपड़े जल्दी धुल जाते हैं, यहाँ पे मुश्किल थोड़ी होती है। तो हाथ से लेकर जो ना काफी काफी थोड़ी देर में सूख जाएंगे, तो इनको सूखने के लिए टांग देते हैं। मैंने धो लिए और काफ़ी ज़्यादा धूप है, जानवरों को प्यास लगी हुई है, क्योंकि बाहर धो चल रही है ना, जानवरों को पानी पिला रही है। मज़े हैं बच्चों के, देखो आराम सुकून से सोए हुए हैं ना। काफी ज्यादा प्यास लगी हुई है। ऐसे हमारे जानवरों की आदत है, कुछ जानवर होते हैं ना जो मीठा पानी पीते हैं, लेकिन हम इनको कड़वा पानी पिलाते हैं, क्योंकि शुरू से इनकी आदत है। और ये छोटा सा बच्चा है, इसको भी पानी पिलाते हैं। तो एक टाइम सुबह को भी पिलाते हैं, दिन को भी, शाम को भी, क्योंकि आप दिन काफी बड़े हैं ना। घास काट के इनको डालते हैं बाहर कर। तो ये है विशाखा का घास और ये है साथ में कोरिया का। तो ये अभी छोटा है, तो
कुछ ज्वार इसमें मिक्स करते हैं तो फिर हम कार्टून को डालते हैं। जानवर बहुत शौक से खाते हैं तो ये ज्यादातर जो है ना जो कपास होती है ना उसमें भी होता है घास। शौक से खा रहे हैं तो अभी ये डाल दिया है तो थोड़ी देर बाद ये ज्वार जो है ना काटेंगे, इसमें भूसा मिला के ना फिर 15 मिनट को शाम को डालेंगे। तो जी ये देखें बाहर का माहौल, दिन के टाइम में भी काफी प्यारा माहौल लग रहा है। तो जी ये देखें, वाह भाई वाह, मैंने जो है ना जानवरों को घास डाले ना तो मुजम्मिल भी काट रहा है। सीधे देखो घास काट रहे हो, हाथ कट जाए फिर है। ये देखिए वाह भाई वाह, बस करो मुजम्मिल काफी है। ये देखिए साइड साइड से सारा जो है ना विशा का घास है और साथ में ये कोरिया का। तो ये अभी कमरे की सफाई कर रहे हैं। दिन में काफी ज्यादा गर्मी होती है तो ये देखिए पानी अभी थोड़ा हो गया है क्योंकि टाइम भी अब ज्यादा हो रहा है ना, तो छत वाला भी चला लेते हैं तो कमरा गर्म गया तो ठंडा हो जाता है पूरा दिन। पहले छोटा फीचर था तो वो उसमें पहले थोड़ा सा जो है ना दूध आता था तो वो थोड़ी देर के बाद टांग कहता था कि दोबारा दूध डालते हुए, तो इसलिए मैंने बड़ा ले लिया है। वो एक भर के देती हूँ तो थोड़ी देर के बाद फिर टांग नहीं करता। वैसे रोटी वगैरह खा तो लेते लेकिन ये है कि दूध लाजमी पीता है और काफ़ी दफ़ा मैंने उसे कहा है कि आप गिलास में पिया करो, लेकिन कहते कि नहीं गिलास में मैंने नहीं पीना। तो जी काम आज मैंने ख़त्म कर लिया है दिन वाला, कपड़े वगैरह थे तो अभी चार पाइयां भी लेकर अंदर चलेंगे क्योंकि शाम हो रही है, फिर शाम के टाइम में भी खाना वगैरह शाम को बनाएंगे इंशाल्लाह। तो रेसिपी रोज़ बनाते हैं इसलिए मैं आज कुछ ब्लॉग आप लोगों से शेयर कर लूँ। बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, लोग सामने बकरे चराने के लिए आए हुए हैं, वो भी तो सारा दिन जो देखें अपने वो कहते हैं रोजी रोटी के लिए सारा दिन बच्चों को चराते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, इन्हीं से भी रोजी रोटी होती है। तो हर कोई अपने काम में मेहनत करता है, हम भी अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो जी आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।